हमारे साथ मौजूद है अनुपमा यादव। अनुपमा यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी पहचान देश दुनिया में बनाई है। इस वक्त बातचीत करेंगे और तमाम चीजों के बारे में जानकारियां भी लेंगे। पहले तो न्यूज बायस्कोप में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले न्यूज बायस्कोप को सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और साथ ही साथ आपको भी। बहुत कम समय में आप देश विदेश में छा गई, क्या है इसके पीछे का राज? सबसे पहले हम यही सवाल आपसे पूछेंगे। सिर्फ मेहनत और कम समय नहीं, मैं जैसे कई लोगों की जो गायकी होती है ना वो शौकियन होती है, तो हमने गायकी की शुरुआत सिर्फ शौक की वजह से किया था कि मतलब ठीक है गाएंगे, पढ़ाई चलती रहेगी स्कूल वगैरह में। अब वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होना ही होना है, तो फिर होते 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 कि मेहनत है, जब कुछ अच्छा होने लगा तो और मेहनत बढ़ गई, तो फिर आज इस मुकाम पे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्या आपको अपने पेरेंट्स से पूरा सपोर्ट मिला? क्योंकि ऐसा होता है ना कि लड़कियों को उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हम खुद ऐसा सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो 10 लोग बोलेंगे, होते हैं ना 4 लोग कुछ तो कहेंगे, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है 4 लोग कुछ तो कहे होंगे आपको? ऐसा तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में 1-2 साल हुआ था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे लोग समझ गए कि मतलब नहीं, अब जब एक चीज़ में जा रही है, सबसे बड़ी बात कि पापा टीचर है मेरे, तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा परिवार है मेरा, तो पढ़े लिखे परिवार होने का सबसे बड़ा मुझे यही फ़ायदा मिला कि मम्मी पापा मेरे मतलब मेरे लिए उन्होंने हमेशा सोचा है, तो उन्होंने ही बोला कि ठीक है चलो जब तुम इस चीज़ में कर रही हो तो फिर ऑप्शन नहीं रखो लाइफ में, अब इसको कर रही हो ठीक है पढ़ाई कंप्लीट कर लो फिर चलो। तो ग्रेजुएशन साथ साथ ग्रेजुएशन भी करती थी और फिर ये भी करती थी, तो इसी फील्ड में फिर आगे बढ़ती चली गई। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मुझे, मेरे सबकी तरफ से तो नहीं बोलूँगी बट मम्मी पापा की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिला है हमेशा। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से विवाद देखने को मिलता है, उस विवाद से कैसे बचती हैं आप? क्योंकि दिमाग में कई सवाल उठते होंगे, क्योंकि हमेशा सुर्खियों पर ही रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो कैसे उन तमाम चीज़ों से दूर रहती है, कैसे सोचती हैं कि नहीं आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है? सबसे पहली बात तो विवाद में लाने की कोशिश तो लोग हमें भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है कि जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं उस चीज़ के बारे में हम कुछ बोलते नहीं। और जहाँ तक बात रही विवाद की, तो आए दिन हिंदी में भी विवाद होते हैं, भोजपुरी में भी, लेकिन भोजपुरी का क्या है ना कि वो लोग उस चीज़ को घुमा फिरा के वही चीज़ें करता है लोग, तो इसलिए इसको और लाइमलाइट मिल जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, विवाद चलता रहता है। और विवाद अपने जगह, अनुपमा यादव अपने जगह जगह हूँ, हाँ मैं काम करना नहीं छोड़ती, मैं अपना काम कर रही हूँ, अब कुछ तो लोग कहेंगे ही। विवाद का मतलब क्या है कि आप विवाद में आइए आपके बारे में 4 लोग कुछ बोले तो कुछ तो लोग कहेंगे ही, अब उनके कहने में जाएंगे तो फिर हम काम कब करेंगे? ये भी कहा जाता है कि जिनकी बात होती है उनमें कुछ बात होती है, इसीलिए 4 लोग उन्हें बोलते हैं। बिल्कुल, अभी गदर 2 का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है कि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सब तारीफें ही करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये सब चलता रहता है। और अगर हम वही कहते हैं ना कि कौवा कान लेके गया, तो हम कौवे को देखेंगे अपना कान देखेंगे, तो फिर गया तो गया, हमारा कान है ना जी, हम अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म, अब 4 लोग आपके बारे में बोल रहे हैं डजंट मैटर। चलिए आज हमारे दर्शक आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और उनके माध्यम से मैं आपसे सवाल पूछूंगी, किस तरीके से आगे बढ़ी, चूंकि तैयारी बहुत आपने किया होगा, अभी स्टेज शो आप लगातार दे रही हैं, कैसे तैयार होकर जाती है, क्या दिमाग में चलता है और कितनी देर तैयार होती हैं आप, मेकअप कितने देर आप लेती हैं? सबसे पहली बात तो मेरा मेकअप कम टाइम में हो जाता है, ड्रेसिंग जो चुनाव होती है ना कि मुझे पहनना क्या है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है। जैसे सुबह में सोचूंगी कि यार आज ना मैं जींस और ब्लेजर में रहूँगी, दोपहर आते थे मूड बदल जाता, नहीं आज सूट पहनूंगी, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे सोचते नहीं आ रहा साड़ी पहन के जाऊंगी। अभी आज के शो में भी सुबह में यही ट्राई हुआ था कि लेगी कुर्ती, दोपहर में ये हुआ कि नहीं वो क्रॉप टॉप जो लाया ना जो अभी पहना था वो पहनूंगी, फिर शाम होते होती नहीं यार साड़ी पहन के भागो ना, फिर साड़ी पहन के मैं जस्ट, तो मेकअप करने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब कन्फ्यूज रहते हैं तो अगल बगल लोगों से पूछ लेते हैं, बताओ ना मैं क्या पहनूँ, क्या मुझ पर ठीक लगेगा, आप किन से पूछती हैं कि बताओ मैं आज क्या पहनूँ तो मैं अलग लगूंगी लोगों से? बड़ा हार्ड क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं मेरे साथ मेरा भाई रहता है, हम उन्हीं लोग से पूछते हैं कि भाई क्या पहने ये पहने, अगर किसी ने बोल दिया कि दीदी आप मोटी लग रही तो दोबारा वो पहन नहीं सकते ना, मोटे लग रहे उसमें। और मेरी एक दोस्त भी है, उससे भी वीडियो कॉल करके, गोरखपुर की मेरी फ्रेंड है, उससे पूछते रहते कि देख ठीक लग रहा है ये पहन लूँ, हाँ हाँ ये पहन ले ये अच्छा लगेगा, तो उसको अब जैसे कि हम पहन रहे वो हमें अच्छा लग रहा है लेकिन दर्शकों को भी तो अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए 1-2 दर्शक बना के रखे हम, जो उससे नहीं सहमति तो उससे पूछ लेते, उससे नहीं तो उससे,
दोस्तों से पूछ लेते हैं। देखिए लड़कियां कहीं भी जाती है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन तमाम प्रॉब्लम से कैसे टैकल करती हैं आप? कैसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कमेंट करते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे जो आपके पास सेल्फी लेने आते होंगे और आपको लगता होगा नहीं अब बस, तो कैसे उन तमाम चीज़ों से टैकल करती हैं, कैसे दूर रहती हैं? सबसे बड़ी बात तो इंडस्ट्री में आने के बाद आज चार पाँच साल हो गया, हम लोगों ने सहना सीख लिया है और लोग चार बात बोलते भी हैं तो साथ रहने वाले कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, बोल देते हैं कुछ, हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। हाँ जब जब पार हो जाएगा तब तो आर चाहे पार, तुम चाहे हम, हाँ जब तक वो बर्दाश्त करने वाली चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है आप ही अच्छे हैं, अरे भाई हमनी के कहाँ आई, अब लोग की सबसे बड़ा बात है नचनिया हैं गवैया हैं, ठीक है हम हैं, हम आपके मनोरंजन के लिए अगर हमें नचनिया गवैया बोले जाते तो हम लोग हैं, बाकी हम क्या हैं वो हम अपने में, ठीक है एक से दो बार आपका सुने, दो से तीन बार उसके बाद आप अति करेंगे तो फिर तो भाई किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी चीज़ की आपने बोला ना सेल्फी, तो कभी कभार सही बात है हम लोग भी थक जाते हैं, हम भी हार जाते हैं, लेकिन क्या करें हमारे दर्शक हमें इतना प्यार करते हैं, आज उन्हीं की देन है कि हम लोग आगे हैं, तो वो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई सबके साथ एक एक फोटो होनी चाहिए। कहा जाता है कि हमारे जैसा 7 लोग और दिखते हैं, लोग कहते हैं आप काजल रघवानी जैसे दिखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? लोग कहते हैं हम देवी जी जैसे भी, देवी दी जैसे भी। आपकी आवाज जो आपका स्वर है वो देवी जैसा है। बाप रे, मुझे भी लोग बोलता था कि काजल दी के सरा लगती हूँ, अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, जिस दिन मिलूंगी उस दिन पहली सेल्फी जब डालूंगी तब लोग दर्शक बताएंगे कि मतलब वो मेरे से मिलती है मैं उनसे मिलती हूँ, तो ये दोनों चीज देख के बताएंगे, अभी तो हम उनसे मिले नहीं है। खैर लोग बोलता है और सही बात है, कहीं ना कहीं फेस मैच कर ही लगता है। हाँ ऐसे तो देखने से फोटो लगता है, अब फेस टू फेस देखूंगी तब क्लियर होगा। देखिए आप बहुत सारे स्टेज शो की, बहुत सारे आपने गाने में बहुत अच्छे तरीके से आपने गाना भी गाया है, लेकिन एक बात बताइए आपको क्या लगता है कौन सा आपका गाना जो है वो लोग तक पहुंचा है और आप उसी के बाद ज़्यादा फेमस हुई हैं? ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, ऐसा होता है कि वो मेरा खबर जो है वो ज़्यादा अच्छा था लोगों तक पहुँचा, तो आपको क्या लगता है कौन सा आपका ऐसा गाना है? मेरा सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला स्टेज शो है, उसका नाम था दिल ना लगई हा, उसके बाद से नेम फेम बहुत मिला, बट एल्बम के माध्यम से सबसे पहला गाना जो था वो पुदीना है हसीना था, उसके बाद हरी हरी ओढ़नी, एंड अभी जो पूरे मार्केट में एक दो महीने तो किसी गाना बजने नहीं दिया, वो गाना था पवन सिंह जी के साथ पियर फराक वाले, तो ये सारे गाने मेरे और बॉस की आवाज़ में थे, लेकिन स्टेज शो में सबसे जो वायरल गाना था वो था दिल ना लगई हा, अब वो लोगों को बहुत पसंद आता है, मेरे स्टेज का ही वॉइस वायरल होता है ज्यादातर। देखिए आगे तो हम आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक जरूर ये सोच रहे होंगे कि आपसे छोटा सा गाना हम गवा दे ताकि उन तक पहुंच जाए। जरूर, जो फेमस हुआ था वही दो लाइन सुना देती हूँ। हो हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बड़ा हो, कि तू जब दिल बड़ा हो ता दगा दिले बाड़ा हो, कि तू जब दिले बाड़ा हो ता दगा दिले बाड़ा हो, कि दिल ना लगे हा फेरू जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा।